नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, 0222300-1634। इसके अलावा आप 0222300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। डीएन पाठक साहब हैं, ईडी हैं सोपा के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है कि खाने के तेलों का इम्पोर्ट बिल 75% उछला है और अप्रैल दिसंबर 2021 में 1.04 लाख करोड़ का तेल का इम्पोर्ट हुआ है। 2020 के दौरान 59,543 करोड़ के मूल्य का इम्पोर्ट हुआ था, तो 75% का उछाल इम्पोर्ट बिल में हुआ है। इसके पीछे की वजह क्या है और क्या आगे और इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा, क्या आगे और इम्पोर्ट बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो फिर क्या प्राइस कम होगा, इसी पर हम बात करेंगे। पहला सवाल डीएन पाठक जी आपसे ये होगा सर कि आपके रहते इंपोर्ट बिल इतना कैसे बढ़ गया सर 75%? पाठक जी सवाल है, एक्चुअली इंपोर्ट बिल क्वांटिटी में तो करीब 2 लाख टन ही बढ़ा है, लेकिन वैल्यू वाइज प्राइस काफी 21-20 के मुकाबले 21 में बढ़ी है। तो ये बढ़ाव जो है ये प्राइस के चलते हुआ है। और हम हमेशा कहते रहे हैं कि जब भी प्राइस बढ़ेगी हमको बाहर के लोगों को ज्यादा प्राइस देनी पड़ती है, हमको कम से कम खाने के तेल में या जो खाने की चीजें हैं उन पे ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो सकें, जिस पे काम नहीं हो पाया। अभी हमने 30,000 करोड़ रुपए ड्यूटी का लॉस किया है पिछले 6 महीने में, जो तेल आया है उस पे 30,000 करोड़ रुपए कम ड्यूटी सरकार को मिली है। इसका कुछ पैसा अगर बजाय इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने के, कुछ पैसा इसका आधा पैसा अगर की ऑयल सीड की उसमें लगाते पैदावार बढ़ाने में, तो शायद हम धीरे धीरे कुछ साल में आत्मनिर्भर बन पाते। लेकिन अभी भी इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हमारी जो तेल की जो रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, वो करीब 180 लाख टन होनी चाहिए, 18 मिलियन टन, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FAO, EFSA, यानी दुनिया की कोई भी एजेंसी जो हेल्थ से काम करती है, उनका कहना ये कि 30-40 ग्राम विजुअल फैट पर पर्सन खाना चाहिए। हम करीब 50 ग्राम विजुअल फैट पर पर्सन पर कैपिटा खा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। इस पे थोड़ा लगाम लगाने की जरूरत है। कीमतें हम लोग अपने किसानों की बजाय बाहर के किसानों की मदद कर रहे हैं ये देखे बिना कि हम कर क्या रहे हैं। ये जो इम्पोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है और आपने पूछा कि क्या ये और बढ़ेगा, अगर हम ड्यूटी ऐसी बनाए रखेंगे कम, तो ये इम्पोर्ट बिल बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि कंजम्पशन जो है वो बढ़ती रहेगी, बिना जरूरत के भी कंजम्पशन बढ़ रही है। तो इस पे बड़े जरूरी है कि इस पर लगाम लगाया जाए। हमने सजेशन दिया है कि जो सोयाबीन का तेल है, जो बाकी तेल भी है, उन पे जो कम ड्यूटी वाला है उस पे एक कैप लगा दी जाए, जो कि लीगली पॉसिबल है, WTO में अलाउड है, और जो फुल ड्यूटी रेट है वो बाकी पे आए उस पे आए उतना, तो उससे कुछ आयात में कुछ कमी आएगी, खपत में थोड़ी कमी आएगी, ऐसा करने से कुछ काम हो सकता है। अच्छा ठीक है, तो ये आपने कुछ उपाय बताए हैं सर, लेकिन एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि इम्पोर्ट ड्यूटी का जिक्र आपने भी किया, और चूंकि देश में जो खपत होती है तेल की उसमें से मेरे ख्याल से 60% से ज़्यादा आपकी डिपेंडेंसी हमारी इम्पोर्ट के ऊपर है, तो आप जरा बताएं कि ये तो ठीक है कि कैसे राहत मिलेगी, लेकिन इम्पोर्ट की जो डिपेंडेंसी है, और अगर इम्पोर्ट बढ़ रहा है, ठीक है इम्पोर्ट बिल बढ़ना इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इम्पोर्ट जब बढ़ रहा है सर, तो क्या अभी फिलहाल सप्लाई के मोर्चे पर कोई दिक्कत नहीं होगी खाने के तेल की सप्लाई के मोर्चे पर, और दाम कुछ कम होंगे क्या सप्लाई बढ़ने से? ने अभी बताया आपको कि हम 5 मिलियन टन तेल एक्स्ट्रा इंपोर्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं हिंदुस्तान में, और जो हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं वो सब इंपोर्ट से ही आ रहा है। तो सप्लाई की दिक्कत तो 5 मिलियन टन हम कम में इंपोर्ट करेंगे, कम खाएंगे तो उसी से दूर हो जाएगी सप्लाई की दिक्कत। 50 लाख टन तेल तो हम ज्यादा खा रहे हैं वैसे ही। अच्छा ज्यादा खा रहे हैं तो क्या करें सर, मतलब आप सोपा, चूंकि आपका एक बड़ा एसोसिएशन है सोयाबीन का, तो आप ये कह रहे हैं कि लोग तेल खाना कम कर दें, अतिरिक्त तेल ना खाएं? देखिए बड़ा मिसनोमर है ये, आपके बहुत सारे मित्र हैं तेल कंपनियों वाले, वो भी देख रहे होंगे, कहेंगे कि आप उनका मार्केट खराब कर रहे हैं। हंसने की बात नहीं है,
जो प्रॉस्पेरिटी का जो वो क्राइटेरिया है वो ज्यादा खाना नहीं होता है। अगर आप दिन में 300 ग्राम गेहूं खाते हैं, 600 ग्राम खाने से आप ज्यादा अमीर नहीं कहलाए जाएंगे। तेल की एक रिक्वायरमेंट है जो कि दुनिया भर के डॉक्टरों ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने, फूड सबने मिला के रिसर्च करके बताया है कि हमको 30 से 40 ग्राम डिपेंडिंग ऑन द पर्सन सिचुएशन विजिबल फैट खाना चाहिए। मैं अगर 40 ग्राम जो कि हाईएस्ट है उस पर बात करूं तो भी हिंदुस्तान की आज की रिक्वायरमेंट 17.89 मिलियन टन है, 2.44 मिलियन टन है। ये मेरे पास पूरा चार्ट मैंने बनाया हुआ है कि इंडिपेंडेंट कैसे बने, मतलब मैंने एक चार्ट बनाया है कि हम पे अगले 10 साल में आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। उसका एक हिस्सा ये भी है कि हम तेल जितना हमको चाहिए उतना ही खाएं, ज्यादा खाने से ज्यादा अमीर नहीं बन जाएंगे हम। और ये जो इम्पोर्ट वाली अमीर है बनने के लिए नहीं खाते हैं सर तेल, तेल तो खाते हैं कि अच्छा लगता है, स्वाद लगता है, पंजेंसी हमारे यहाँ नॉर्थ में कहा जाता है कि पंजेंसी, जब उसमें आप सरसों के तेल में आप खाते हैं फिश तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, तो लोग अमीर बनने के लिए नहीं स्वाद के लिए खाते हैं। लेटली आपने देखा है कि वजन कैसे बढ़ रहा है लोगों के, मेरा अपना हाँ वजन वो बढ़ ठीक रहा बात है है तेल खाने से हम लोग। और ये हम लोग इम्पोर्ट लॉबी जो है हिंदुस्तान में, बहुत बड़ी इम्पोर्ट लॉबी है बड़े बड़े लोगों की, हम लोग उसके बहकावे में आके ज्यादा तेल खाए जा रहे हैं। अच्छा वो तो बड़े खुश होते हैं कि जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा हम इम्पोर्ट करेंगे, उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन हम हिंदुस्तान की सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और सब मिला के हम किसका भला कर रहे हैं सिवाय कुछ 10-12-15 इंपोर्टर्स के अलावा, बताइए किसका भला कर। और चलिए ठीक है। अच्छा अर्जेंटीना ये तो ये वेनेजुएला अलग के डिबेट सामने का बिल्कुल मुद्दा है पाठक जी, लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ सर कि सोयाबीन की क्रॉप तो अब आ गई, फिगर भी सामने आ गए हैं, आप जरा बताएं कि अभी मतलब ऑफिशियल फिगर तो नहीं है, लेकिन आप जरा बताएं कि क्या तेल के दाम अभी ग्राउंड पर कम हो रहे हैं या फिर से बढ़ने लगे हैं खाने के तेल के दाम? देखिए ग्लोबली तेल के दाम, जैसे सोयाबीन की मैं बात करूंगा, पाम की, तो दाम अभी बढ़े हैं तो, और क्रशिंग अभी भी कम हो रही है क्योंकि मील की डिमांड बहुत कम है। ये सब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो सबके सामने हैं, तो क्रशिंग भी कम हो रही है मील की और बाहर दाम बढ़े हैं, तो ऐसे में दाम कहीं और कम हो आगे जाके। हाँ मस्टर्ड एक ऐसी चीज है जो क्रॉप, बहुत बड़ी क्रॉप आने वाली है, तो मुझे लगता है मार्च अप्रैल में कुछ राहत उससे मिलेगी मस्टर्ड से, लेकिन कितनी राहत मिलेगी उससे, मछली क्रॉप बहुत बड़ी है, थोड़ी राहत मिलेगी उससे, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे डाउनसाइड नहीं दिखा, इसलिए ग्लोबली तेल के भाव बढ़े हुए हैं। अच्छा एक बात सर और बताएं आप, चूंकि आप जुड़े हैं और आगे बजट है नेक्स्ट वीक में, तो चूंकि सोपा आपका एक बड़ा एसोसिएशन है सोयाबीन प्रोसेसर्स का, आप लोगों की क्या उम्मीद है? उम्मीद तो ठीक है हर बार होती है इंडस्ट्री की, लेकिन आपको लगता क्या है कि क्या ऐसा इस बार आप लोगों के लिए तिलहन इंडस्ट्री के लिए बजट में हो सकता है? देखिए एक जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल जिसपे डिस्कशन हो रही है 2018 से, पहले तो सबसे बड़ी मेरी शिकायत यही है कि हम लोग 4 साल लगाते हैं डिस्कशन करने में। ये जो मिशन है 2021-2026 है, 2022 में अप्रूव होगा, 2023 में शुरू होगा, तो यानी ये फास्ट बन के रह गया है। तो सबसे बड़ी उम्मीद मेरी ये है कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल इस बजट में अनाउंस होगा, बजटरी एलोकेशन होगा और उस पर काम होगा। ये मेरी सबसे बड़ी जो है वो एक वह है। दूसरा मैं चाहता हूं कि तेल पे ड्यूटी जो 31 मार्च को तक ही कम की हुई है उस पर विचार करें और वो आगे उस पर कम ड्यूटी की बढ़ोतरी ना हो, ड्यूटी कम पे ना तेल रहे, ऐसा मैं चाहता हूं। अच्छा सर तिलहन का वायदा कारोबार कब शुरू करवा रहे हैं? तेलहन का वायदा करो, सरकार सोच के करेगी, देखिए कब करते हैं। नहीं आप क्या चाहते हैं, हो कि नहीं हो? मैं तो सोचता हूँ कि अभी थोड़े दिन इसको शांति से रहना चाहिए, कितने दिन तक? अभी देखते हैं ना, अभी आप थोड़ा तरह चार्ट बना के देखिए मार्केट का, मार्केट की वोलेटिलिटी जो 4% 5% 10% थी और बीच में 15-20% थी, अभी जीरो वोलेटिलिटी है, फ्लैट प्राइसेस हैं, 50 रुपए कम 50 रुपए ज्यादा, 50 रुपए कम 50 रुपए ज्यादा, तो एक जो स्टेबिलिटी आई है, मैं सोयाबीन की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो मुझे लगता है कि ये स्टेबिलिटी थोड़े दिन और टेस्ट कर लें। नहीं लेकिन आप ही और के बिरादरी के जो दूसरे एसोसिएशन है उनका कहना है कि जल्दी शुरू कर देना चाहिए, मस्टर्ड की अराइवल होगी उससे पहले शुरू कर देनी चाहिए ताकि प्राइस डिस्कवरी ठीक से हो। मस्टर्ड में शायद डिफरेंट बात अलग है क्योंकि मस्टर्ड की बड़ी क्रॉप आने वाली है। मस्टर्ड में होना चाहिए मैं क्या नहीं, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, मैं सोयाबीन की बात कर रहा हूँ। सर? भाई तो है सोयाबीन सोयाबीन का इतने मस्टर्ड, सगा भाई तो है। नहीं, सगा भाई तो है, आई हाँ थिंक लेट वेट एंड वॉच। आप सर मतलब मस्टर्ड, मतलब मुझे लगता है कि आप सोयाबीन के बारे में जितना जानते हैं उससे ज़्यादा मस्टर्ड के बारे में जानते हैं, लोग हाँ अपने लेकिन पड़ोसी के बारे में ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो नहीं, मस्टर्ड में हमारे आपको लगता है यहाँ शुरू होना चाहिए सर?
हमारे बड़े भाई हैं बीबी मेहता साहब मस्टर्ड के बारे में, वो जो कहेंगे वो ठीक होगा, हम तो उनकी बात तो मानते वो हैं। तो कह रहे हैं कि हम शुरू हो जाना चाहिए, तो बड़े भाई की बात से आप सहमत हैं? नहीं, मैं उनकी बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ, सहमत है मतलब? मैंने कहा मैं उनकी बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ। नहीं, विरोध नहीं कर रहे तो मतलब सहमत है ना, विरोध नहीं कर रहे। एक संस्कृत में कहावत है कि मौनम सम्मति लक्षणम, मतलब अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप सहमत हैं, मौन है तो आप सहमत हैं। आप आई डोंट नो, आप उसको सहमति मानते हैं कि नहीं मानते। मैं तो अभी यही कहूंगा कि वायदा बाजार को ऑन अ सीरियस नोट काफी सारा काम करने की जरूरत है। जो विसंगतियां हमने देखी हैं उन पे अभी भी एक्शन नहीं हुआ है, और बहुत सारी रिटोरिक है इसमें कि ये वायदा बाजार से ये नहीं होता है, वायदा बाजार से वो नहीं होता है, लेकिन असल में कोई रिसर्च इस पे अगर की जाए कि वायदा बाजार से क्या ठीक हुआ है और ओवर द जी, ईयर्स क्या हुआ, तो शायद हमको लगेगा कि काफी मेच्योरिटी की जरूरत है अभी वायदा बाजार में। वायदा बाजार होना चाहिए, ये तो मैं पक्का बोल रहा हूँ, होना चाहिए, लेकिन उसको मेच्योर होने की जरूरत है, जो कि हम अभी तक कर नहीं पाए हैं। ठीक है। तो चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए हैं, बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में तिलहन के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। पहला सवाल है कृष्णलाल का, सिरसा से जोड़ रहे हैं, पूछिए। मेरा सर ग्वार और कपास पे। ग्वार और कपास पे आपका सवाल है, बीरेन जी बताइए सर क्या किया जाए ग्वार में और कॉटन में। 2 4 दिन दबाव में रहेगा मार्केट, ये जो रशिया यूक्रेन थोड़ी क्राइसिस है, फेड का मीटिंग भी है, बजट भी है, 2 3 इवेंट एक साथ लाइनअप हो गई है। फंडामेंटली पिक्चर में कोई बदलाव नहीं है। एक बार बजट आ जाने के बाद इसमें कहीं गिरावट मिले तो बाय साइड का ट्रेड करना चाहिए। किसमें सर, कपास में? दोनों मार्केट के फंडामेंटल मजबूत है, लेकिन बजट में शायद कॉटन पे इंपोर्ट ड्यूटी शायद हट सकती है, ऐसी रिमोट पॉसिबिलिटी देखते हुए बजट के बाद कपास का डिसीजन लेना चाहिए। अभी मतलब कह रहे हैं कि और आप कपास थोड़ा दबाव में रहेगा बजट से ठीक पहले, फिलहाल रह सकता है। ठीक है ओके। अच्छा अनुज जी, गोल्ड का मार्केट 290 रुपये ऊपर है, 48,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बताइए क्या किया जाए सर? मृत्युंजय जी, जो इक्विटी मार्केट में हमने गिरावट देखी है और जो अनसर्टेनिटी पूरे ही इक्विटी मार्केट में रही है, उससे एक सेफ हेवन डिमांड जो है गोल्ड और सिल्वर में निकल कर आई है। हमने देखा है कि उसकी वजह से जो करेंसीज हैं वो भी डेप्रिशिएट हुई हैं, तो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, जो सेफ हेवन वाला पार्ट है, वो गोल्ड की तरफ दोबारा से एक्टिव होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि गोल्ड में जो एक ट्रेंड बना है वो लास्ट वीक भी एक पॉजिटिव ट्रेंड बना था, मुझे लगता है कि इस वीक भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। गोल्ड में खरीदारी करना चाहिए, ऑलमोस्ट करंट रेट के आसपास से खरीदारी कर सकते हैं, 48,250 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 48,900 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो हमारा व्यू है कि 1855 1860 डॉलर तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड जिस तरीके से फंडामेंटली सपोर्टिव है, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे खासा इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट विद वॉल्यूम राइजिंग देखने को मिला है, मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड गोल्ड में रहना चाहिए। ठीक है, प्रवीण है, नेक्स्ट कॉलर प्रवीण है हिसार से, पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर ये करंट रेट पे फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के निकल में क्या करना चाहिए, अनुज जी से सवाल है। करंट रेट पर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में निकल में क्या करना चाहिए, बताइए अनुज जी। देखिए अभी फरवरी कॉन्ट्रैक्ट जो है 1735 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि अगर 2 से 3 रुपए और गिरते हैं 1730-32 के आसपास, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि मार्केट जो है वो एक सपोर्ट जोन के आसपास है, क्योंकि हमने एक मॉर्निंग से ही गिरावट आते हुए देखी है, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में 1715 का आप स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में आपको 1750-1780 तक वापस देखने को मिल सकता है, तो 1730-32 के आसपास मुझे लगता है खरीदारी का ट्रेड आप ले सकते हैं निकल में। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर जगदीश है हमारे साथ, पूछिए जगदीश जी। मैं ये किसान हूँ, मेरे पास मस्टर्ड पड़ा है 150 क्विंटल। 150 क्विंटल मस्टर्ड पड़ा है। हाँ, अभी आप क्या एक्सपर्ट तेल पे बता रहे थे कि मस्टर्ड में और कोई है तेजी की गुंजाइश है या मैं बेच दूं, बताइए बीरेन जी, मस्टर्ड में तेजी की गुंजाइश है या निकल जाना चाहिए इनको? मस्टर्ड में तेजी की गुंजाइश फिलहाल नहीं लग रही है, नई फसल काफी बड़ी है, जैसे ही मार्केट आएगा तो मार्केट दबेगा ऐसा लग रहा है मुझे, तो अभी फिलहाल इसमें से निकल जाए। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी मस्टर्ड के ऊपर। अच्छा आप अनुज जी, क्रूड का मार्केट 40 रुपये ऊपर है, 6,360 का लेवल है MCX पर कच्चे तेल में, बताएं जरा क्रूड में क्या करना चाहिए?
देखिए मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि क्रूड अब $90 को ब्रेक करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जिस तरह का फंडामेंटल रहा है, जियो पॉलिटिकल टेंशन ईरान और यूक्रेन में रहे हैं। लास्ट वीक भी हमने देखा था सऊदी अरब में जो एक ड्रोन अटैक हुआ था, उसकी वजह से मुझे लगता है कि अपसाइड मोमेंटम क्रूड में रह सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में भाव करीबन 6400 से लेकर 6450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और $90 तक के लेवल आपको ब्रेंट में देखे जा सकते हैं। तो क्रूड के अंदर हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो क्रूड में आप कह रहे हैं कि बाइंग का ट्रेड बनाया जा सकता है 6410 के टारगेट के लिए, 6300 पर आप बाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अविनाश वर्मा है, बताइए अविनाश जी। सर मेरा एक क्रूड ऑयल सेल चला 5680 रुपए सेल है, तो सर क्या कर सकते हैं सर, इसमें अभी होल्ड करें या क्या करें? 5680 में सेल है आपका? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओहो, मार्केट देखिए 6300 से ऊपर, मतलब ये कि आपने स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं लगाया। बीरेन जी क्या सुझाव इनके लिए? काफी अनफेवरेबल में पोजीशन, और क्रूड के फंडामेंटल टेक्निकल्स काफी पॉजिटिव है, जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे अनुज भाई ने बताया, पर फिर भी मैं इसमें 6500 के आसपास में शॉर्ट साइड जाना प्रेफर करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस 6680 का रहेगा, 180 रुपया फ्रॉम द सेल साइड, और टारगेट रहेगा करीबन 6000 के आसपास। ठीक, नेक्स्ट कॉलर गणेश है हमारे साथ, पूछिए गणेश जी। जी सर जी, गोल्ड का पूछना था। पूछे सर, यही जानना चाह रहा था कि क्या करना चाहिए आज गोल्ड में, आज क्या करना चाहिए? तो 300 रुपए के आसपास की तेजी है। अनुज जी एक बार फिर से बताएं आप, अगले 6-7 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए गोल्ड में क्या ट्रेड लेना चाहिए? देखिए गोल्ड अभी 48,530 के आसपास चल रहा है, यहाँ से 50 रुपए अगर गिरावट मिलती है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। हमारा मानना है कि 48,800 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, 48,250 पे स्टॉप लॉस लगाएं। इंटरनेशनली 1855-1860 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। मोमेंटम पॉजिटिव साइड में है तो खरीदारी ही प्रेफर रहेगी, मुझे लगता है ट्रेंड के साथ जाना चाहिए। बाई का जो ट्रेड है वो आप गोल्ड सिल्वर में दोनों में ले सकते हैं। बाइंग का ट्रेड आप करें कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में आप ले सकते हैं, इस पर आप नजर रखिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अनिल है, पूछिए अनिल जी। सर कपास खली 4000 और जीरा 25000 कब तक होगा? कपास खली 4000 और जीरा 25000, बताइए बीरेन जी। जीरे में 25000 वाला जो टारगेट है काफी वाइल्ड टारगेट है, तो मैं इतनी एक्सट्रीम बुलिशनेस में नहीं हूँ। हालांकि एकरेज लास्ट ईयर से 30-35% कम है, लेकिन सब देखते हुए भी ये काफी वाइड टारगेट है, इतना एक्सट्रीम दोनों में मैं इतना एक्सट्रीम बुलिश नहीं। ठीक है, ओके, चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी, गोल्ड में करंट रेट के आसपास से खरीदारी कर सकते हैं, 48,250 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 48,800 48,900 तक देखा जा सकता है। आपकी कॉल बीरेन जी। फरवरी महीने के लिए गैस बाइंग करूंगा 280 के आसपास, 300 का लक्ष्य रहेगा, स्टॉप लॉस 270। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। क्रूड में रहेगी, क्रूड में 6300 के आसपास खरीदारी करें, 6230 का स्टॉप लॉस लगाएं, 6410 का टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके होंगे।